राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो आज यहाँ से ब्लॉग देखने को मिल रहा है आपको, जो अक्सर मेरे ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो घर पे आए हुए हैं ताई लोग, कल आए थे तो कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और कल रात पूजा भी थी, जो जागा मैंने आपको दिखाया कि लगती है वो कल थी। सर दर्द हो रहा था मेरे, तो ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कल मुझे। आज ताई लोग, उसे भी मिलाऊंगी। और ताई लोग आए इस बात की खुशी है, लेकिन एक बात का मतलब आज बुरा भी लग रहा है कि हमारी जो गाय है, यानी हमारी जो चंपा बछिया, मैं जिसे मिलाती हूँ आपको, वो आज जा रही है। तो मम्मी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया है ना, तो इस वजह से मजबूरी है कि उसको जाना पड़ रहा है। और ये भी है कि वो जहाँ जाएगी वो अच्छे घर जा रही है, तो इस बात की खुशी भी हो रही है। तो अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं गंगानाथ बाबा के मंदिर में, और जब गाय जाएगी वो पार्ट अगर हिम्मत रही तो रिकॉर्ड करूँगी, वरना सच में मतलब अजीब सा हो रहा है। चंपा ना एक तो सबसे छोटी बछिया है ना घर की, तो मतलब उससे ना ज़्यादा ही लगाव भी है, पर क्या करें। तो बने रहना ब्लॉग में, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। इस हमारी चंपा जिनके घर में जा रही है वो है ये, हमारी चंपा को ले जा रहे हो आप, अच्छे से ले जाना, उसका ध्यान रखना। अभी पहले हम मंदिर जा रहे हैं, फिर आते हैं, तब तक बैठो आप, ठीक है। अभी हम पहुंच गए गंगानाथ बाबा के मंदिर, ये देखो। और यहाँ से आ रही है ममता दी और जीजा जी और राशि, इसे अभी मिलाऊंगी आपको थोड़ी देर में। धूपम समरूपम पूजा देवीजम नैवेद्यामि, ओम धूपम आग्रह पिनमहम दीपम दस्यामि नमः नैवेद्यम समर्पयामि, नमो नमः भूषाते दिवं समर्पयामि नमः नभ्यासे तंत्रिका गंत्रिणो जहूतम वरपनुभ्यां बाहर से ग्लास लगाया है, ऐसा कर। वीडियो बन रही है, फोटो वीडियो वीडियो बन रही है। हेलो हेलो गाइस बोल दो। कल कह रही थी मुझे कि कल ब्लॉग मैं बनाऊंगी। हेलो गाइस, अगर आप ब्लॉग बनाओगे, आपका चैनल होगा, क्या बोलोगे? चलो स्टार्ट करो ब्लॉग, क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलो? हेलो गाइस, मछली गई पानी में छपक छपक बोलूंगी, ऐसा बोलेगी। कहाँ सुना तूने? वो वीडियो तो नहीं देखी मेरी, शॉर्ट वीडियो वही वाली, मछली गई पानी में। अच्छा और क्या बोलोगे, और क्या बोलोगे? इसको नीचे करो, फिर इसको नीचे बोलो, अब बोलो पानी में छपक छपक। तो अभी हम आए थे गंगानाथ बाबा के मंदिर, और अब एक एक करके सबसे मिलाती हूँ। तो ये है राशि, रसोड़े में कौन था वाली नहीं नहीं, ये अच्छी है, अच्छी वाली राशि है, रसोड़े वाली नहीं है, है ना? आप अच्छी वाली राशि हो ना, आप राशि हो, हाँ रसोड़े वाली नहीं हो ना, हाँ नहीं है रसोड़े वाली, इसको गुस्सा आता है ऐसा कहने में। तो अब मिलाती हूँ आपको हनी से, राशि की बड़ी दीदी। व्लॉग देखते हो? हाँ देखते हो ना, कैसे लगते हैं? कुछ कहना चाहोगे? और बहुत अच्छा लगता है, ये कंफ्यूज हो रही है यार, ये है सबसे तेज, ये इतनी तेज है ना, 100 लोग वो कर देंगे। और ये हमारे पिताश्री, अब मस्त पूजा कराई, मस्त वाली। और अब यहाँ पर ताई लोग पता नहीं क्या गप्पे मार रहे हैं, अभी मिलाते हैं आपसे, कुछ जरूरी बात चल रही है अभी, है ना? जरूरी बात चल रही है ना। तो अब मैं सबसे मिलाती हूँ, ये है रिंकू, हेलो कर, हेलो यहाँ कर। और ये है हमारे प्यारे जीजा जी, ये ममता दी से भी अच्छे हैं सच में अच्छा ये ममता दी के गाइस, ये ममता दी के, मैं ना जो इन्होंने इसने थल पे मेरे साथ अत्याचार किया ना, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी आपको कौन से अत्याचार बोला, कौन से अत्याचार बोला, कौन से अत्याचार। जब मैं नीचे जाती थी ये मेरे को ऐसे पकड़ती थी और जाने नहीं देती थी घर, और पूरी रात वहां रोक के रखती थी, पता है तेरी मम्मी के कारनामे।
तेरे साथ भी किया है मम्मी ने ऐसा। ये मेरे को क्या करती थी ना, अंशु और चेतन को भी यही बोला, मैं नीचे जाती थी ना, ये मुझे छुपा देते थे, मतलब पकड़ देती थी, ये जाने नहीं देती थी। शाम होने के बाद अब फोन कर उनको, अपनी दीदी और दादा को। और शकल देखो इतनी सीधी लगती है ये देखो, है नहीं तू इतनी अच्छा। जीजाजी आप बताओ, जीजाजी आप बताओ कैसी है? बहुत सीधी। जीजाजी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, कोई ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मजे हो रहे इनके। कैसा लग रहा है राशि आपको यहाँ? राशि इधर तो आओ, कैसा लग रहा है बताओ तो। तो गाइस थक हार के पहुँचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में घर। हनी थक गई बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा थकी है ताई। पटाखे से तो अभी अभी ऐसे ऐसे पसीना पोंछ रही है, एक दूर से आए ना तब। अरे एक एक चीज पूछनी है रिंकू से, ममता दी का भतीजा ना, ना ममता दी? हाँ भतीजा। चल ये बता तेरी चाची कैसी है? क्या ही बताऊँ अब। क्या ही बताऊँ? देखा मैंने बोला था ना अकेले में इसको पकड़ूंगी, तभी ममता दी की सच्चाई बताएगा। बताने मतलब कैसी जैसी है, मतलब चाची कुछ खाना बनाती है? नहीं बनाती है, बनाती है जैसे कुछ स्पेशल डिश चाची के हाथ की? ताई से क्या पूछू ममता दी के बारे में, मेरे को इतना तो पता ही हुआ। बता फिर मतलब चाची के हाथ की कोई स्पेशल डिश? पानी, गरम पानी, गरम पानी। बता तो सही। मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं बनाती क्या? खाना बनाती है। कैसा बनाती है? ठीक बनाती है, ठीक बनाती है ममता दी। ठीक, आपके बारे में ठीक ठीक रिव्यू आया, ठीक वाले ही है। हमारी ताई थक गई है। चलो देखो गंगानाथ बाबा के मंदिर से पैदल पहुंचे हम यहाँ। और कैसा लगा राशि को? ये थक गई, अभी तक ये सबसे आगे थी, अब जैसे घर पहुंचने का टाइम आ रहा है थक गई है। इन सबको हमारे गांव का सबसे बड़ा मकान दिखा रही हूँ। अब पहुंचे हैं यहाँ गाइस। ताई के बाल देखो कितने लंबे सुंदर, इस उम्र में भी। ताई आपके बालों का राज ना, पानी पानी मसमोली मसमोली का पानी, मसमोली का पानी। ममता दी के दिखाओ तो कैसे बाल, इसके भी ठीक ठाक है, मेरे से तो ठीक ही है। मसमोली का पानी, तेरा पानी बदल गया ना, पानी बदलने से खराब हो गया बस। ताई और रामा की मुलाकात चली। अभी हमारी चंपा जाने वाली है, मतलब मेरे को इतना अजीब लग रहा है ना, इतनी प्यारी है ना, सबसे छोटी है ना तो इतनी प्यारी है। ये देखो आजा इधर, अब मेरे से नहीं रिकॉर्ड करूंगी यार, मेरे को अजीब हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं ले जा रही हूँ हनी और राशि को कहाँ कहाँ ले जा रही हूँ बताओ? गांव घुमाने। और देखो मेरा हाथ कट गया। कैसे कटा? ये इतनी एक्टिंग करती है ना, मतलब सच में ये जो गोपी बहू वाले सीरियल में राशि है ना, उसकी डिटो कॉपी है। वो भी ना इतनी खतरनाक, कितनी एक्टिंग करती थी ना वो, ये भी ना सेम है वैसी है ना राशि। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भी बताओ? हेलो गाइस मैं जा रही हूँ, बोलो एक बार। हेलो गाइस मैं जा रही हूँ पूरे गांव घूमने। पूरे गांव घूमने कैसा कर रही है, कितनी खतरनाक एक्टिंग करती है यार ये। और क्या आपको दुकान भी ले जा रही हूँ मैं? क्या ले, क्या क्या खाने? कुरकुरे। कुरकुरे 3 घंटे से मैंने इसको एक कुरकुरे के लिए, मतलब वो ये मतलब मेरे इशारों पे घूम रही है 3 घंटे से। इसको पता था ना, इसको पता था, मतलब मैंने इसको 4 बजे बोला था कि मैं दुकान इसको ले जाऊंगी करके, मैंने कुरकुरे का लालच दिया और 3 घंटे से शांत है, तो मैं इसको 5 रुपए का कुरकुरा खिला सकती हूँ, कोई बड़ा वो नहीं है ना ये, छोटी सस्ती है मतलब।
सस्ती बीस रुपए वाला नहीं, दस वाला नहीं। आज का दो वाला भी आ रहा है, दो वाला लूंगी मैं, दो रुपए वाला कुरकुरा राशि के लिए, ठीक है, और दीदी के लिए दस वाला, ठीक है राशि। आपके लिए 20 वाला, दीदी के लिए 5 वाला, राशि के लिए बहुत ज्यादा। आपके लिए 20 वाला, दीदी के लिए 5 वाला, ठीक है, नहीं मेरे लिए 20 वाला है, इसलिए 5। चलो देखते हैं, दुकान जाते हैं और कौन कौन मिलता है रास्ते में। नमस्ते माता, हाँ यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, हाँ चलो यहाँ से ऊपर चलो। डेंजरस लग रही है हमारी कारोबार वाली आमा, क्या चल रहा है आज? बहुत दिनों के बाद आ रहे हो ब्लॉग में आप, प्रणाम बोलो। नमस्ते, क्या होता है? प्रणाम बोलो, प्रणाम प्रणाम। हाँ इधर तो आ, इनके ये दुकान तो ही नहीं के वहाँ है, अमीर दुकान में कुरकुरा। चलो इधर चलो, चलो जा फिर ऊपर को जा, हम ये इस वाली दुकान से खरीदेंगे। आमा कैसा लग रहा है आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग में आके? अति सुंदर लग रहा है। जब जब ब्लॉग बना, आपने 10 दिन ब्लॉग नहीं देखा, क्या हुए आपके? उदास लग रहा है, कहीं गए? बोल वाला दिखाओ भाई, दिव्यांशी और अम्मा हरेरा वाला। हाँ चलो बहुत बढ़िया, और क्या हो रहा है? अब तो बनाऊंगी, अब रोज का बनाना, रोज बनाना। हाँ हाँ, नीचे आया, नीचे आके बनाया है ना, बनाया, ठीक है। टाइम पास ना, क्यों करना चाहिए, ब्लॉग बनाऊंगी। सही बात, क्या क्या है? रमजान महीने, अच्छा ब्लॉग ने बढ़ाए गए। हाँ बे बढ़ा रही, क्यू आर भेज रखी मैंने, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। आमा की ख्वाहिश है कि ब्लॉग बने, अच्छा लगे है ना। राशि चले फिर दुकान चले, चलो फिर यहाँ से ताई से बातें करते हुए। ये कौन है? दुकान यही है ताई, आपकी दुकान में तुड़तुरे है, बोलो नानी कुरकुरे दे दो, बोलो बोलो, दुकान उन्हीं की है, बोलो। ये भी हो गई है बोर, इनकी दुकान है, इनकी दुकान है, सुनते हैं, बोलो दुकान यहाँ यहाँ यही है, बोलो। राशि बोलो, क्या है आपका नाम, क्या है? हमने देखा है इतना छोटा आम, इतना छोटा आम, ये सिंदूरी आम होता है और इतना टेस्टी होता है ना ये आम, इतना मीठा होता है सच में। राशि इतना छोटा आम देखा बिट्टू आपने? देखा नहीं? देखा होगा गाइस, देखो इतना छोटा आम है और इतना टेस्टी होता है सच में, मतलब। पहली बार देख रही है राशि। राशि कैसा लग रहा है अब आपको? हाँ यहीं से चलो, कैसा लग रहा है? यहाँ देखो फिर, अब मौसी की साइड देखो, कैसा लग रहा है बताओ? अब कुरकुरे मिल गए तो अब बोलना नहीं है ना, है ना? आपने थैंक यू मौसी भी नहीं बोला। मौसी कौन बोलेगा? मतलब भाई मैं इसको, इसकी हरकत है ना, क्या कह, मैंने इसको बोला थैंक यू बोलो करके, थैंक यू चेतना मौसी, ऐसा कर रही है, एक बार और करो तो, ऐसा ऐसा क्यों करते हो आप बता तो, क्यों करते हो गुस्सा? कुरकुरे लाओ फिर वापस करो, वापस करो, वापस करो, तो क्यों कर रहे हो? आज से नहीं करूंगी। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो बताओ तो एक बार, आपकी प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करूंगी मैं। मैम ये हमारे सर, सर कौन से सर है? मेरे को नहीं पता, तुझे स्कूल जाती है पता नहीं है कि कौन से सर है? चलो फिर आप घर चलते हैं, ठीक है ना? कहाँ फेंका आपने वो, रख लिया? चलो सिर्फ एक ही चाचा है पूरे गांव में, अगर मैं कहीं से गुजरू ना चाची और मेरे हाथ में, मतलब मैं फोन ना बन, मतलब फोन ना हो, वीडियो ना बनाओ, इतनी आफत आती है इनको। आपको मतलब क्यों सुर लगे रहता है इतना व्लॉग का? ब्लॉग बनाने वाली ठहरी ना फिर, मैं ब्लॉग बनाने वाली ठहरी, लेकिन आपको ब्लॉग में आना इतना पसंद है मेरे को सच में। आज नहीं है, तेरा ब्लॉग देखना मेरे को पसंद है। आपको अपना आना पसंद नहीं है? नहीं है। क्यों, आप कितने अच्छे आ रहे हो, देख रहे हो, चमक रहे हो, क्यों नहीं पसंद है आपको ब्लॉग में आना? जब जब आप, जब आप ब्लॉग में अपने आपको देखोगे आपको और ज्यादा पसंद आएंगे मेरी वीडियो। आपको देखा है मैंने, कहाँ देखा, ड्रा ब्लॉग में दिखा, मैं आज ही हूँ ना है। और देखो बिल्ली, देखो गाइस इतना मोटा रखा है इस बिल्ली को इन लोगों ने दूध पिला पिला के, इसे अच्छा तो मेरे घर भेज देते एक एक दो दो गिलास, तुम्हारी ब्लॉगर जो बेटी है वो भी मोटा जाती थोड़ा। तो तीन गाय तो दूध देने वाली है, तीन गाय दूध देती है, लेकिन क्या बता तुम्हारे घर का दूध मेरे को वो जाता थोड़ा। जब मैं अंग तुम्हारा घर दूध लागी भेजो आप मेरे लिए एक गिलास दूध, बिराल को दूध खवा रखो इन्हें, लो भगवान है बिराल बिना दूध।
रोज सुबह एक गिलास, रोज शाम को एक एक गिलास दूध पहुंच जाना चाहिए मेरे घर। आधा किलो दो गिलास ये पीता है, दिन में दो गिलास पीता है। दो किलो दूध तो यही पी जाता है। और अमन तो गिलास दूध नहीं पे तुम्हारे यहाँ क्या? हाँ अभी अंदर बिठाते, कॉफी पिलाते। कॉफी पिलाता पिलाता क्या पिलाते भी ना चाची पिलो जाने ना, बताओ जैसे मेरे को देखते। परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे, परुली बानी लगी चितुरे, आम के